शासन एक और प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से एक गांव को दूसरी गांव में पक्की सड़क के माध्यम से जोड़ने की बात कह रही है। वहीं दूसरी ओर उमरिया जिले के ग्राम सिवाई में 75 परिवार निवास करते हैं, जो मेन रोड तक उन्हें पगडंडी के सहारे जाना पड़ता है, जो बरसात के मौसम में अधिक कीचड़ हो जाने से वह रास्ता बंद हो जाती है। आपकी समस्या क्या है? समस्या यहाँ की रोड है सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि यहाँ अगर कोई बीमार हो गया तो कीचड़ में पैदल लेके जाना पड़ता है, ना तो यहाँ गाड़ी आ सकती है, और कोई डिलीवरी है अगर तो अगर लेके हम गए तो रास्ते में ही डिलीवरी हो जाती है। तो सबसे बड़ी परेशानी तो यही है, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं तो विकास कैसे होगा गाँव का? तो क्या करें जब रोड नहीं है, तो क्या करें? बहुत परेशानी, मरीज जा नहीं पाना। आपके कितने बच्चे हैं? चार। तो चारों बार ऐसा हुआ क्या? जूठे हुआ है रास्ते में, मतलब गाड़ी में पहुंच गया और हॉस्पिटल में चल गया, एक लड़का ही ने जन्म लिया घर में। तो ऐसा सभी के साथ होता क्या? सभी के साथ होता। अपना के नाम क्या है? संगीता। तो किस गांव से हैं आप? सिवाई से। क्या काम करते हैं आप? मैं आशा कार्यकर्ता हूँ गांव के। कब से हैं आप? 2012 से। यहाँ आपकी क्या समस्या है? मेरी समस्या यह है कि जब मैं डिलीवरी लेके जाती हूँ हॉस्पिटल तो उनको परेशानी भी होती है और यहाँ तक जननी भी नहीं आ सकती है रोड के चलते। तो मेरी यहाँ की महिला है जो, वो बहुत परेशान हो जाती है। आवेदन भी किए कहीं पे? हाँ, आवेदन भी किए हैं यहाँ कलेक्ट्रेट में, कलेक्टर महोदय के पास, तब भी नहीं, वो भी नहीं सुने। ग्राम पंचायत भी में किए हैं, वो भी नहीं सुने। यह वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से मैं अपील करता हूँ कि हमारे उमरिया जिले के कार्यपालन अधिकारी हरि सिंह, मोबाइल नंबर है 94-25-18-82-67, यह नंबर पर कॉल करके इन पर दबाव बनाए, ताकि जो हमारे सिबाई गांव की जो ये रोड की समस्या है ये जल्द से जल्द बन सके, इसमें मदद करें। मैं रामलाल बैगा, ग्राम सिबाई, जिला उमरिया, मध्य प्रदेश से, इंडिया अनहर्ट के लिए।